हेलो जी, क्या आपने अपने पेरेंट्स को भी कहते हुए सुना? ये आजकल के बच्चों को ही होते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज, हमारे टाइम में नहीं होते थे। या ये आजकल के बच्चों को डिप्रेशन विप्रेशन हो रहा है बेटा, हमें तो नहीं होता था कभी। अब ऑनेस्टली हमारी जनरेशन इसको सुनकर चिढ़ जाती है, अनॉय हो जाती है। हमें लगता है पेरेंट्स समझ नहीं रहे जनरेशन गैप है। बट आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट दे आर राइट एट देयर प्लेस। रीजन बींग, पहले के टाइम में, जैसे हमारे पेरेंट्स के टाइम के सोच लो, तो उनके पास डेटा कितना था, इन्फॉर्मेशन कितना था। उनको अपने परिवार का पता होता था, मम्मी पापा भाई बहन जो रह रहे हैं, अपने रिलेटिव्स का चलो पता चल गया, डेटा वहां से आ गया, इन्फॉर्मेशन आ गया, अपने दोस्तों से आ गया। इतना ज्यादा इंस्टाग्राम और ट्विटर और ये स्नैपचैट और ये सब तो कुछ था नहीं इतना ज्यादा, तो उनके पास इन्फॉर्मेशन हमेशा लिमिटेड रहती थी। अब उनके दिमाग फिर अब इतना ज्यादा भरा हुआ नहीं है। अब हमारे दिमाग में भरा है भाई सब, इतना सारा दुनिया जहान का। अभी 2-3 दिन पहले आई फाउंड माई सेल्फ इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट सम रैंडम इन्फ्लुएंसर कपल जिनका कोई डाइवोर्स के स्पेकुलेशन चल रहा है, और मैं भाई 4 वीडियो देख ली बैठ के, पूरी पूरी वीडियो देख रही हूँ, मैं इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ कि ये हो कैसे गया है सब, मतलब मैं पूरी इन्वेस्टेड उसमें। हमारी जनरेशन को ना अपने जीवन में, अपने मन में क्या चल रहा है उसका कुछ नहीं पता है, पर दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है उस, और वो भी सोशल मीडिया पे। जो मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरे दोस्त नहीं है, उनसे मैं कभी मिली नहीं हूँ, कभी मिलूंगी भी नहीं, उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, बट आई एम फुल्ली इन्वेस्टेड। और हम रैंडम उसमें, और कुछ लोग इससे भी, मैं तो सिर्फ देख रही थी, कुछ लोग उससे भी आगे निकल जाएंगे, पूरा हम इसके साइड है, हम उसके साइड में। तुमको क्या मतलब है, तुम क्या मतलब, क्या हो रहा है ये हमें रियलाइज नहीं होता है। हमें लगता है कि हमने किसी की पूरी लाइफ व्लॉगिंग के जरिए सोशल मीडिया पर देखी है, या हम किसी को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसर हैं, तो हम पूरे उनके लाइफ में इन्वेस्टेड हैं। अगर मैं अपनी बात भी करूं, आपके लिए मैं एक इन्फ्लुएंसर, और मेरे लिए, मैं ऑनेस्टली इतने लोगों से नहीं मिली हूं जिनसे मैं कैमरा के थ्रू बात कर रही हूं। तभी मैं कभी अपनी पर्सनल लाइफ को कुछ शेयर करते हुए सोचती हूँ कि मेरी फोटो देख के इसके जीवन में, किसी के जीवन में क्या भला हो जाएगा। कुछ कह रही हूँ तो काम की बात कहूँ कि वो सुन के अपनी लाइफ में अप्लाई करके कुछ ठीक हो जाए, और अगर मैं उनकी लाइफ में कुछ ऐड ऑन नहीं कर रही हूँ तो आई ट्राई टू नॉट पोस्ट द कॉन्टेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ पोस्टिंग इट, दैट्स वॉट आई फील। क्योंकि मुझे लगता है मैंने इसकी लाइफ में सामने वाले कुछ ऐड ऑन नहीं करा, तो कम से कम उसके दिमाग में कचरा क्यों भरूँ जबरदस्ती का। पर अगर ऐसा हो रहा है, आप किसी का इस तरह की कॉन्टेंट चीज़ें देख रहे हैं, एक फिल्टर लगाना शुरू कर दो। देखो, नए साल में 3 महीने बचे हैं बस, अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसके बाद आएगा नया साल। अगर एक चीज बदलनी है ना मेजरली, अगर 2025 अपना बेहद खूबसूरत चाहिए, तो ये रेंट फ्री इतनी सारी जगह जो दूसरों के पचड़ों को अपने दिमाग में दे रखी है, बेटा उसको प्लीज बाहर निकालो, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं थोड़ा अपने बचपन की तरफ नज़र डालूं, तो मैंने कितने सावधान इंडिया देखे होंगे मम्मी के साथ बैठ के, इतने मैंने डेली सोप देखे होंगे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, और गोपी वो वाला जो था, साथ निभाना साथिया, प्रीता वाला कोई शो आता था, कुंडली भाग्य, कुमकुम भाग्य, ये सब आ गए, बंद हो गए, वो लोग स्टार बन गए, उन्होंने खूब पैसा कमा लिया। इससे मेरे को क्या मिला, इससे जब तक मैंने उसे देखना नहीं बंद करा, तो मेरे को अब मेरे को लगता है क्यों देख रही थी मैं, क्या उससे क्या ऐड ऑन हो गया मेरी लाइफ में। सो देयर इज सो मच ऑफ कॉन्टेंट आउट देयर, बट यू नीड टू डिसाइड इफ इट इज एडिंग सम वैल्यू इन माई लाइफ और नॉट। इफ नॉट, प्लीज फील फ्री टू अनसब्सक्राइब, अनफॉलो। अगर मेरे चैनल से भी आपको कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा, तो मैं तो नहीं कहूंगी कि देखो यार अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हो, कुछ जाके ऐसा काम करो जिससे कुछ वैल्यू एडिशन होगा लाइफ में। अब ऐसा ना हो कि मेरे सब्सक्राइबर कम हो जाए जोश जोश मैंने बोल तो दिया है। एनीवे, आई फील दैट आई एम एडिंग सम और अदर वैल्यू, मतलब मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। और वो जो लाइन है ना, है जहाँ की तुझको खबर, खुद से है पर तू बेखबर, कर ले खुद से ही प्यार बंदिया। अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, और अपने मन में क्या चल रहा है, मेरी बॉडी में क्या चल रहा है, मैं अंदर कैसा फील कर रही हूँ, वो सब कुछ सुनो। जो दूसरों के केसेस चलते रहते हैं, उनके मसले चल रहे हैं, मुद्दे चल रहे हैं, वो खुद सुलटा लेंगे। आप प्लीज़ अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए, और अपना ओपिनियन तब शेयर कीजिए जब कोई आपसे पूछ रहा है। जबरदस्ती हम इसकी साइड है, हम उसकी साइड है, पूरे इन्वॉल्व है, कमेंट सेक्शन में ऐसे पूरा दूसरों की साइड हो जा रहे हैं, ये सब करने से बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन होता है। दिस ऑल स्टफ स्टेज इन योर हेड रेंट फ्री। आप इतना सारा इनपुट दिमाग में जब जाता है, तो दिमाग शांत नहीं रह पाता है, फिर आप रात को नहीं सो पाते हैं, फिर आउटपुट भी आपकी प्रोडक्टिविटी में दिखता है, उसका इम्पैक्ट आपके करियर में दिखता है। तो प्लीज़ प्लीज़ इसको फिक्स करिए, ये एक चीज़ साल में आपको फिक्स करनी है, तभी अगला साल बेहद खूबसूरत बनेगा। और मैंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट शेयर करा था जहाँ मैंने बताया मेरा स्क्रीन टाइम कितना है, वो ऐसे यही सब चीज़ें देख देख के हुआ, बट देन आई रियलाइज इट्स नॉट हेल्पिंग मी आउट इन एनी वे यार, व्हाई आई एम इवन डूइंग इट।
तो फिर मैंने फिर कहा छोड़ो अब जो चल रहा है चल रहा है, मैं नहीं देखूंगी अब एटलीस्ट उसको। तो मैं बीच बीच में बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर माई सेल्फ, मैं बीच बीच में इंस्टाग्राम हटा देती हूँ, या कभी कभी आईफोन से यूट्यूब हट जाता है, आई गेस एंड्रॉयड से नहीं हटता था, तो मैं वो हटा देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा गैप रखूँ इसलिए। और मैंने हाँ एक और मेजर चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि जब आप लाइफ में खुश होते हो ना, अपनी लाइफ में जब आप सेटिस्फाइड होते हो, यू बेयरली फील लाइक टचिंग योर फोन, यू बेयरली फील लाइक कि मैं दूसरों की लाइफ का देख लूँ या अपनी लाइफ की चीज़ें ओवर शेयर कर दूँ दूसरों के साथ। मैं पहले काफ़ी चीज़ें अपनी पर्सनल लाइफ में शेयर कर देती थी, बट व्हेन आई गॉट मैरिड आई रियलाइज आई मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट फील लाइक पुटिंग एवरीथिंग आउट ऑन इंटरनेट, क्योंकि हमें कई बार ना मतलब वो सुना है ना, इनसिक्योरिटीज आर लाउड एंड कॉन्फिडेंस इज क्वाइट। सो वेन यू आर एक्चुअली फीलिंग कंटेंट, हैप्पी, कॉन्फिडेंट, तो आपको नहीं लगता है कि मेरे को बाहर से वैलिडेशन चाहिए। और वहीं मैंने कितनी बार अपनी फोटो पोस्ट करी होगी जस्ट बिकॉज कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम फोटो पोस्ट कर देते हैं कि अब कोई मेरी तारीफ कर देगा, और बढ़िया से गाना लगा के एकदम बढ़िया से फोटो कई फिल्टर लगा के पोस्ट कर देते हैं कि अब कोई मेरी तारीफ करेगा तो आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ, आई फील गुड अबाउट माई टूडेज डे जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो मैंने भी ऐसी चीज़ें करी हैं, और क्योंकि मैं बैठ के काफ़ी बार रिफ्लेक्ट करती हूँ उस पर, तो मैं अब खुद के बारे में ऐसा समझ के अच्छा तो नहीं लगता है, बट देन आई अंडरस्टूड कि हाँ ठीक है, वो वाली नेहा का एक सर्टेन माइंडसेट था, तो वो बच्ची क्या सोच रही थी उस समय, इनसिक्योर फील कर रही थी, बट देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खुद पे काम करके फेल्ट बेटर। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, बट ओनली इफ यू चूज टू टेक इट दैट वे। ओके, अपना बहुत ध्यान रखो, बहुत बहुत खुश रहो, और अपने मन की सुनो, ठीक, ध्यान रखो, बाय।